दोस्तों, टाइम स्लिप इंसिडेंट्स और स्टोरीज हमारी कल्पना की शक्ति को उड़ान देते हैं। दुनिया भर में लोगों के साथ कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं या अनजाने कारणों से वो भूतकाल या भविष्य में चले जाते हैं, लेकिन ये यात्रा उनके नियंत्रण में नहीं होती और इसीलिए इसे टाइम स्लिप कहा जाता है। टाइम स्लिप एक्सपीरियंस कर रहे व्यक्ति को ये अनुभव एकदम असली और सच्चा ही लगता है। वो कई बार भूतकाल में जाकर ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिसे वापस आकर जांचना भी संभव होता है। इसलिए इस घटना को कल्पना या हेलुसिनेशन नहीं कहा जा सकता। विज्ञान भले ही टाइम स्लिप्स को ठीक से ना समझ पाया हो, लेकिन हजारों लोगों ने ये अनुभव किए हैं। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 5 टाइम स्लिप इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने ना सुने हों। यूएसए के एंड्रयू इवांस को उनके दादा दादी ने बचपन से ही उनके साथ घटी एक घटना सुनाई थी। ये काफी अजीब घटना थी जो दशकों पहले उनके साथ घटी थी। एंड्रयू को आज भी ये किस्सा काफी फैसिनेट करता है। लगभग 60 साल पहले की बात है, एंड्रयू के दादा और दादी शादी के बाद अपने हनीमून के लिए डेवन जा रहे थे। ये जगह काफी अच्छी और परिचित थी क्योंकि वो यहाँ शादी के पहले भी जाते रहते थे। 2 सितंबर 1956 को दोपहर के समय एंड्रयू के दादा ने फैसला किया कि वो दोनों आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि वो उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक टी कैफे दिखाई दिया। एंड्रयू के दादा को थोड़ी भूख लग रही थी। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि उन्हें यहाँ चाय पीनी चाहिए। वो दोनों अंदर गए और चाय का आनंद लेने लगे। चाय इतनी अच्छी थी कि उन्होंने इसके ब्रांड के बारे में जानकारी ली ताकि वो इसे घर में भी पी सकें। लेकिन तभी अचानक उन दोनों का ध्यान उस कैफे के इंटीरियर्स पर गया। उन्हें लगा कि ये काफी पुराने और विंटेज डिजाइन का था। वहां का स्टाफ भी प्रॉपर आयरन ड्रेस पहनकर अपना काम कर रहा था और वो ड्रेसेस काफी पहले इस्तेमाल की जाती थीं। खैर, उन लोगों ने बिल पे किया जो काफी कम था और वहां से चले गए। एक हफ्ते बाद एक दिन उन्हें फिर मन किया कि वो उसी कैफे में चाय पियेंगे। अब उसे एकमात्र कच्चे रास्ते से होते हुए वो दोनों उस लोकेशन पर जा पहुंचे जहां वो कैफे था, लेकिन इस बार वहां सिर्फ पेड़ पौधों की एक कतार थी। एंड्रयू के दादा अच्छी तरह जानते थे कि वो कैफे वहीं मौजूद था। इतना ही नहीं, उन दोनों के एक हफ्ते पहले के पैरों के निशान तक वहां मौजूद थे, लेकिन वो कैफे का नामो निशान नहीं मिल रहा था। अचंभे के साथ वो वापस लौटने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। उन दोनों ने महिला से पूछा कि यहाँ मौजूद टी कैफे कहाँ गया। वो महिला उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। वो बोली कि यहाँ कोई कैफे नहीं है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ कई सालों पहले एक कैफे मौजूद था, लेकिन तब शायद एंड्रयू के दादा दादी का जन्म भी नहीं हुआ था। एंड्रयू के दादा उस महिला को पूरी डिटेल में बताते हैं कि उस कैफे का इंटीरियर कैसा था, वहां के कप्स कैसे थे और वहां की चाय का ब्रांड क्या था। ये सब सुनकर वो महिला काफी शॉक थी क्योंकि ये सारी बातें उसी कैफे से मैच होती थी जहां वो बुजुर्ग महिला अपने बचपन में जाती थी। अब एंड्रयू के दादा उस महिला से विदा लेकर घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में इस घटना के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि उस दौरान वो टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप जैसी किसी चीज से परिचित ही नहीं थे। वो डेवन टाउन से अपने लिए चाय का वही ब्रांड ले गए जिसे ओल्ड इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। कई सालों तक एंड्रयू के दादाजी ने उस कैफे और उसमें काम करने वाली वेट्रेस का पता करने की कोशिश की, लेकिन डेवन टाउन में कहीं भी ऐसा कोई कैफे नहीं था। स्टैफर्ड इंग्लैंड के कैनक चेस में मौजूद ग्रैंड मैनर हाउस अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए काफी मशहूर है। इस मैनर हाउस को 1690 में विलियम एंसन ने बनवाया था। आज ये नेशनल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। लोकल्स का मानना है कि ये मैनर हाउस हॉन्टेड है और इसके आसपास काफी अजीब गतिविधियां होती रहती हैं। फ्रैंक और जून पार्कर एक कपल थे जो मैनर हाउस के पास घूमने आए थे। वो दरअसल उस घोस्ट ट्रेन की यात्रा करना चाहते थे जिसे कुछ ही समय पहले चालू किया गया था।
लेकिन वो गलती से रास्ता भटक गए थे। वो ग्रैंड मैनर हाउस के पास फैले हुए उसके विशाल गार्डन एरिया में चल रहे थे। दोनों अपने फोन्स लेकर नहीं आए थे, इसलिए ये और भी चैलेंजिंग हो चुका था। फ्रैंक ने जून से कहा कि अगर हम सीधे एक दिशा में चलते जाएं, तो जरूर बाहर निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें 3 रेडकोट सोल्जर्स घोड़े पर सवारी करते दिखाई दिए। फ्रैंक ने उन्हें आवाज दी और बताया कि वो भटक चुके हैं, लेकिन उन तीनों ने फ्रैंक की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपने रास्ते पर निकल गए। फ्रैंक हैरान थे कि रात के समय वुड्स एरिया में ये तीन लोग कौन थे और इन्होंने ऐसे लाल कपड़े क्यों पहने थे जो मेडिवल टाइम्स के थे। खैर, थोड़ी दूर और चलने के बाद कुछ और रेडकोट सोल्जर्स घोड़े से गुजरे। फ्रैंक ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस बार उन्हें फ्रैंक की आवाज सुनाई दी। फ्रैंक ने बताया कि वो भटक चुके हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। वो लोग फ्रैंक को अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर उन्होंने फ्रैंक को रास्ता बताया और कहा कि वो थोड़ी जल्दी में है क्योंकि किंग ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और उन्हें तुरंत वहां पहुंचना था। ऐसा कहकर वो लोग भी तेजी से निकल गए। अब फ्रैंक और जॉन बाहर निकले और घोस्ट ट्रेन का ट्रिप कैंसिल करके सीधा अपने घर चले गए। घर जाते ही फ्रैंक ने शॉकबोरा की हिस्ट्री के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया, लेकिन उनकी रिसर्च से उन्हें इस घटना का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग मिली जो 1688 की बैटल और ग्रैंड मैनर हाउस के कंस्ट्रक्शन को दर्शाती थी। फ्रैंक ने पेंटिंग में मौजूद यूनिफॉर्म्स को पहचान लिया था। ये वही यूनिफॉर्म्स थी जो उन सोल्जर्स ने पहनी थी। फ्रैंक को पता लगा कि इंग्लैंड में मौजूद जमींदारों को उस समय युद्ध में लड़ाई के लिए अपने आदमी भेजने पड़ते थे। फ्रैंक ने अपनी पत्नी को ये पेंटिंग दिखाई तो जॉन ने भी उन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को पहचान लिया। फ्रैंक को लगा कि शायद उन्होंने उन सोल्जर्स की आत्माओं को देखा था जो युद्ध के दौरान मारे गए थे, लेकिन बाद में जब वो मैनर हाउस गए तो उन्हें पता लगा कि जिस वुड एरिया में वो भटक गए थे वो दरअसल 50 साल पहले एग्जिस्ट करता था। January 1969, डॉक्टर वाइट और उनकी पत्नी यूके के आइल ऑफ वाइट में ड्राइव करते हुए अपने दोस्तों के घर डिनर पर जा रहे थे। उन्हें न्यूटन टाउन जाना था और वो आइलैंड के आउटर एरिया में ट्रेवल कर रहे थे। ये फुल मून नाइट थी, लेकिन गहरे काले बादलों की वजह से अंधेरा काफी था। पहली हिल क्रॉस करते ही उन्होंने लेफ्ट साइड में चौक फॉर्मेशंस देखे और राइट साइड में ओपन फील्ड्स थे। वो आइलैंड के आइसोलेटेड पार्ट में थे, तभी अचानक उन्हें फील्ड्स में चमकती हुई रोशनियां दिखाई देने लगीं। लग रहा था मानो ये कोई पब्लिक गैदरिंग है। वो दोनों आपस में बात करने लगे कि आखिर ये क्या हो सकता है। वैसे तो ये एक एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये गलत सीजन था। हिल से नीचे उतरने पर अब उन्हें वो लाइट साफ दिखाई दे रही थीं। वहां बहुत से लोग फायर टॉर्चेस के साथ मौजूद थे और ये कोई एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन नहीं था। अभी तक दोनों को नहीं लगा था कि ये इवेंट पैरानॉर्मल भी हो सकता है, बल्कि वो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसके थोड़े आगे ही वो एक फार्म ट्रैक पर पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रक्चर या रोशनी नहीं थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बीतने के बाद अचानक उनके चारों ओर रोशनियां मौजूद थीं। वो एक सिटी स्ट्रीट में थे जहां हरी नीली और लाल रोशनियां मौजूद थीं। वो अपनी आंखें अच्छे से बंद करके खोलने लगे और तभी वो अचानक वापस उसी फार्म ट्रैक पर पहुंच गए। एकदम हैरान और शॉक मिस्टर वाइट ड्राइव करते जा रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। कुछ देर के बाद वो एक जाने पहचाने इलाके में पहुंची। ये हेयर एंड हाउंड्स इन था जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े उन्हें हाथों में फायर टॉर्चेस लिए पुराने जमाने के कपड़ों में लोग रोड में घूमते हुए दिखाई दिए। उनके सामने एक काफी लंबा व्यक्ति मौजूद था जिसने लेदर बेल्ट और स्लीवलेस गार्मेंट्स पहन रखे थे। अब डॉक्टर वाइट का दिमाग जवाब दे चुका था। उन्होंने तय किया कि वो उतरकर उस व्यक्ति से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर वो कहाँ हैं। लेकिन उनके इतना सोचते ही वो फिगर्स गायब हो गए
और उनके चारों तरफ पिच ब्लैक एरिया था। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचे, डिनर किया और रात उन्हीं के पास रुक गए। वापस लौटते समय वो उसी रूट से आए, लेकिन इस बार कुछ भी असामान्य नहीं था। सभी पुराने स्ट्रक्चर्स गायब हो चुके थे और आसमान एकदम साफ था। जब डॉक्टर वाइट ने इसके बारे में लोगों से चर्चा की तो उन्होंने उस इलाके की हिस्ट्री जानने की कोशिश की। उन्हें पता लगा कि पहले के जमाने में उसी इलाके में रोमन कैंप्स लगाए जाते थे और उस दौरान सभी लोग फायर टॉर्चेस की मदद से रोशनी करते थे। कुछ लोगों ने डॉक्टर वाइट को बताया कि पहले वहां वाइकिंग्स का भी राज्य था, वो लोग भी उसी तरह के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर वाइट और उनकी पत्नी दोनों के मन में ये अनसुलझे सवाल हमेशा के लिए रह गए। एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ ड्यूंडी से मिशिगन की ओर कार में जा रही थी, तभी उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक नहीं भुला सके। रास्ते में अचानक उनके आसपास का नजारा बदल गया और वो एक स्ट्रीट में एंटर हुए। ये स्ट्रीट 18 सेंचुरी की लग रही थी क्योंकि आसपास से गुजरने वाले सभी लोग और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर 1800s के थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक महिला आ गई जिसने एक छोटे बच्चे को प्रैम में बिठाया हुआ था। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया और जैसे तैसे गाड़ी बच गई। ये अनुभव सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स का था, लेकिन इसने दोनों माँ बेटी के मन में गहरा असर छोड़ दिया था। बाद में एक मित्र ने उनसे पूछा कि क्या वो लोग उन्हें देख सकते थे या फिर उन्होंने कार को देखकर कोई रिएक्शन दिया, तो महिला ने उसे बताया कि बाकी लोगों ने तो उन्हें देखा भी नहीं, लेकिन बच्चे के साथ मौजूद महिला उन्हें देखकर चौंक गई थी जिससे उनकी गाड़ी टकराने वाली थी। अब कुछ सालों के बाद जब उनकी लड़की 13 वर्षों की हुई तब उन्होंने उससे पूछा कि उस घटना के दौरान उसे क्या महसूस हो रहा था। लड़की ने बताया कि उसने भी वही विंटेज स्ट्रीट को देखा था, लेकिन जब ये सब हो रहा था तब उसकी माँ कार से गायब हो गई थी और कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस रीअपीयर हुई। जूडी नाम की एक महिला ने भी टाइम स्लिप का अनुभव करने का दावा किया था जब वो 12 वर्ष की थी। मैरीलैंड में एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बैकयार्ड में जाकर सूखी लकड़ियां लाने को कहा था। लकड़ियां इकट्ठा करते करते जब वो नीचे झुकी तब उनके आसपास का नजारा ही बदल गया। अब उनके पास सूखी बंजर जमीन थी और कुछ दूरी पर पहाड़ मौजूद थे। उन्हें ऐसी मेमोरीज भी आने लगीं जैसे वो उस इलाके में पहले कभी रहती थी और इसी तरह लकड़ियां कलेक्ट करती थी। उनका खुद का अपीयरेंस भी बदल चुका था क्योंकि अब वो एक जवान महिला की तरह दिख रही थीं। उनके पैर जमीन को छू रहे थे और उनके अंदर अलग सी मेमोरीज फ्लैश हो रही थीं। उनके कपड़ों के अंदर फर लगा हुआ था और वो किसी ट्राइब को बिलोंग करती थीं। तभी अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया और वो मेमोरीज फेड हो गईं। ये घटना कुछ ही सेकेंड्स की थी जिसके बारे में जूडी लगातार सोचती रहीं। लगभग 5 डेकेड्स के बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को अनुभव किया था क्योंकि उस यूनिवर्स में भी वो ठीक उसी तरह लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं और यहां भी उनके एक्शन एकदम सेम थे। शायद इसलिए मैट्रिक्स में कन्फ्यूजन हुआ और कुछ सेकंड के लिए वो दोनों रियलिटीज मर्ज हो गईं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।